अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अहमद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक दो दिन हुए वीडियो नहीं डाल सका, कंटेंट नहीं था क्योंकि कुछ मसरूफियात थी मेरी, और इसी वजह से आज मैं सुबह सुबह उठ गया कि मैंने बोला भाई आज हम जाएंगे जिम और वीडियो करेंगे रिकॉर्ड और आज ही पोस्ट करेंगे। हालांकि अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे, वैसे यूजली आपको पता है मैं शाम में जाता हूँ, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ सुबह इसीलिए कि ताकि मैं वीडियो जल्दी रिकॉर्ड कर सकूँ, जल्दी एडिट कर सकूँ और आज ही आपको पोस्ट कर सकूँ। तो अभी चलते हैं जिम, आज वैसे हम लगाएंगे चेस्ट, तो आपसे मिलते हैं। हमें जाना पड़ेगा पैदल अब नीचे। जी बाइक लगा दी है और अब चलते हैं जिम के अंदर और शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे डिप्स के साथ, डिप्स के सेट लगेंगे 3। अगर आप न्यू हैं तो आप 2 भी लगा सकते हैं, और रेपिटेशंस अगर आप नॉर्मली लगाते हैं डिप्स तो कोशिश कीजिए 20 रेपिटेशंस, और अगर न्यू हैं तो 10 से 12 लगाएं। अब चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा हूं, पहले लोअर एरिया को स्ट्रेच कर रहा हूं, अब कर रहा हूं अपर चेस्ट को स्ट्रेच। इससे ये होता है कि आपके जो मसल की टेंशन है वो रिलीज़ हो जाती है और इंजरी के जो चांसेज होते हैं वो हो जाते हैं कम। स्ट्रेच के बाद अब हम लगाएंगे 4 सेट पुली के। इससे ये होगा कि जो हमारा बैक मसल है वो भी खुल जाएगा, तो वो चेस्ट की एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज चेस्ट की एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डंपल के साथ। डंपल इस तरीके से लगेंगे कि मैं 3 वेट एक साथ लगा रहा हूँ, सबसे लाइट, उससे थोड़ा ऊपर, फिर उससे थोड़ा ऊपर। सेट लगेंगे 3। आप जो पहले वेट से रेपिटेशन निकालेंगे वो निकलेंगे 20। जब आप सेकेंड वेट उठाएंगे तो रेपिटेशन रहेंगे 16। कोशिश करनी है कि फुल स्ट्रेच करें नीचे लाके और ऊपर ले जाके फिर स्क्वीज करें, और फिर थर्ड वेट जो हमारा सबसे हैवी वेट होगा इसमें आपने रेपिटेशंस कोशिश करनी है 10 से 12 निकालें। पोजीशन सेम रखनी है, नीचे लाके स्ट्रेच करेंगे, ऊपर लाके चेस्ट को स्क्वीज करेंगे। स्ट्रेच करने से फ़ायदा आपको ये होगा, आपके चेस्ट का जो साइड एरिया होता है जहाँ पर फैट आता है उस एरिए पर ज़ोर पड़ेगा। फ्लाइंग डंबल के सेट कंप्लीट हो गए, अब हम लगा रहे हैं बेंच प्रेस। बेंच प्रेस स्टार्ट में करूँगा प्लेन रॉड से, अभी कोई वेट नहीं लगाया है, ये जस्ट पंप करने के लिए चेस्ट को। प्लेन रॉड से रेपिटेशंस मैंने निकाले 16, अब मैंने लगा दिया है वेट। वेट लगाने के बाद आप कोशिश करेंगे कि रेपिटेशंस एटलीस्ट 20 निकालें, 20 नहीं तो 16 निकालें, और मैं जो लगा रहा हूँ मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 लगा लूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपने नॉर्मली जो रेपिटेशंस निकालने हैं वो 20 तक निकाल लें। उसके बाद हम लगाएंगे वेट। वेट के साथ अब आपने कोशिश करनी है जब आप नॉर्मल वेट लगाएंगे तो रेपिटेशंस रहें 16-14, और जब आप वेट बढ़ा दें तो फिर आपने कोशिश करनी है रेपिटेशंस 10 से 12 निकले लास्ट में। अब मैं लगा रहा हूँ इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच के भी 4 सेट लगेंगे, शुरू में 2 सेट लाइट लगाएंगे और फिर 2 सेट हैवी। इंक्लाइन रॉड लगाई जाती है अपर एरिया के लिए, जो चेस्ट का अपर पार्ट होता है ये इसको हिट करता है और ये इसको डेवलप करता है। फ्लाइंग डंबल मैंने जैसे कि पहले लगा लिए थे तो अब मैं लगा रहा हूँ इंक्लाइन डंबल जो कि मेरे अपर चेस्ट को हिट करेंगे। इसके भी सेट लगेंगे 4, 2 सेट मैं लाइट डंबल से लगा रहा हूँ, लेकिन इंक्लाइन हमेशा नॉर्मल वेट से ज़्यादा ही लगता है, जो हम बटरफ्लाई पे इस्तेमाल करते हैं वेट उससे ज़्यादा वेट होता है ये। तो 2 सेट आप लाइट से लगाएंगे और 2 सेट आप हैवी से लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा डंबल आपके शोल्डर के पास पास रहें, हाथों को बहुत ज़्यादा वाइड ना खोलें। डंबल्स के बाद अब मैं आ गया हूँ बटरफ्लाई पे। बटरफ्लाई मैं लगा रहा हूँ आप देखेंगे थोड़ा सा आगे होके, आगे बैठ के लगाने का रीज़न ये है कि जो मेरे चेस्ट का साइड एरिया है या नीचे का एरिया है अगर यहाँ पे फैट आ रहा होगा तो ये उसको कट करेगा। सेट लगेंगे 4, रेपिटेशंस रहेंगे पहले 2 सेट में 20 और लास्ट के 2 सेट में कोशिश कीजिए 16 नहीं तो 12। वेट आपने हर सेट में बढ़ाना है, पहले सेट में लाइट, फिर उससे ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर लास्ट में थोड़ा ऊपर। लास्ट में मैं लगा रहा हूँ केबल फ्लाई। इससे मैं लोअर एरिया और अपर चेस्ट दोनों को हिट करूँगा। पहले 3 सेट लगाऊँगा लोअर के, फिर लगाऊँगा अपर चेस्ट के। आप देख सकते हैं लोअर एरिया के लिए मैं जिस पोजीशन से लगा रहा हूँ इससे मेरा लोअर एरिया हिट होगा, और ये है अपर चेस्ट की पोजीशन। तो सेट आप लगाएंगे 3, रेपिटेशंस रखिए 12 तीनों सेट में। तो जी ये था आज का वर्कआउट, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और सुबह सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करना लिटरली बहुत मुश्किल होता है, और मेहनत करके एक्सरसाइज कर लिए, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे।
प्लीज़ चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ऐसी वीडियोज़ ही डालता हूँ, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।